हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाय डीके में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमें अभी विभाग की ओर से सूचना मिली थी कि हमें अपने शैक्षिक विवरण को देख करके ये बताना होता है कि क्या आपके शैक्षिक विवरण में कोई त्रुटि तो नहीं है, आपका एम्प्लॉय कोड तो गलत नहीं लिखा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर तो गलत नहीं लिखा हुआ है, आपका मैंडेटरी क्लास वाइज ये सब ठीक लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, आप दुर्गम में कितने दिन रहे, आप सुगम में कितने दिन रहे, आपका शैक्षिक विवरण, आपकी शैक्षिक योग्यता, आपका परिचय, ये सब आपके शैक्षिक विवरण में सही है या नहीं है, तो आप इसको कैसे देखोगे। और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं कि अपना शैक्षिक विवरण आप एजुकेशन पोर्टल से कैसे डाउनलोड करेंगे पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, यहाँ गूगल को ढूंढ लेते हैं और यहाँ सर्च कर लेते हैं एजुकेशन पोर्टल, या लिख लेते हैं, ये टिक कर लेते हैं, यहाँ फिर इस पर टच कर देते हैं। यहाँ टच करने वाले को कुछ इस प्रकार से हमारे सामने की ये लॉगिन पेज खोलकर देखो आ जाएगा एजुकेशन पोर्टल का। ये ब्लू टिक फिलहाल हो रखा है कंट्रोलिंग यूनिट पे, इसको हम कर लेंगे एम्प्लॉय पे। ठीक है, और यहाँ डाल लेंगे अपने एम्प्लॉय आईडी कह लीजिए, फिर पोर्टल आईडी कह लीजिए, इसको हम पोर्टल आईडी भी कहते हैं, 6 अंकों की होती है। ठीक है, तो आप यहाँ डालोगे और आपने पहले इसका पासवर्ड बना रखा होगा, वो पासवर्ड यहाँ डाल लेंगे और ये कैप्चा यहाँ डाल लेंगे और लॉगिन कर लेंगे। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखो, मैंने डाल लिया है, आईडी डाल लिया, पासवर्ड डाल लिया, कैप्चा डाल लिया है और ये ब्लू टिक मैंने एम्प्लॉय पे कर रखा है पहले से ही। यहाँ लॉगिन हियर पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन हियर पे क्लिक करने के बाद देखो कुछ इस प्रकार से हम एक पेज पर पहुंच जाएंगे, एम्प्लॉय एरेना, इस पर पहुंच जाएंगे और यहाँ आपका फोटो लगा होगा। ठीक है, यहाँ आपका नाम फोटो लगा होगा, आपका स्कूल का नाम, कौन से स्कूल में है, प्राथमिक में है, जूनियर में है, सेकेंडरी में है, सब लिखा मिलेगा आपको यहाँ। ठीक है, ऊपर लिखा है एजुकेशन पोर्टल, ऊपर लिखा हुआ है। देखो यहाँ अगर चाहें तो अपना पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बैक जाए तो बैक जा सकते हैं। फिर आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में आईडी कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं आप कलर में प्रिंट करके। ठीक है, फिर देखो ऊपर लिखा है व्यू, अब हम व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करते ही केवल कुछ मिनटों में ही हमारा सारा विवरण हमारे सामने खुलकर देखो आ जाएगा। ये देख लें, यहाँ फोटो लगा हुआ है मेरा, ये पूरा मेरा विवरण है। ठीक है, मेरा नाम होगा, सब कुछ लिखा होगा इसमें, मोबाइल नंबर लिखा होगा इसमें, सारा विवरण आपका लिखा होगा, व्यक्तिगत विवरण लिखा होगा आपका इसमें, प्रथम नियुक्ति कब हुई आपकी वो लिखी मिलेगी इसमें, पता आपका लिखा मिलेगा सब, पिन कोड सहित जिला सब कुछ। यहाँ आपकी शैक्षिक योग्यता देखिए, शैक्षिक योग्यता आपने कौन कौन सी पढ़ाई किस स्कूल से की, कब की, किस सन में की, कितना परसेंट है, उसका क्रमांक उस परीक्षा का सब लिखा मिलेगा। अगर देखो आपको यहाँ ये ईयर है, ये रोल नंबर है, सब्जेक्ट है, सारे लिखे मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर आपका आएगा सेवारत प्रशिक्षण का विवरण, जितनी बार आपने कहीं भी प्रशिक्षण किया है वो सब आपको यहाँ लिखा मिलेगा। आपने बीआरसी पे किया, आपने बीआरसी पे डायरेक्ट रुड़की में किया, कब किया, कौन से तीन किस संस्था के द्वारा किया गया, सब लिखा मिलेगा आपको। फिर यहाँ का आ गया शिक्षा विभाग के तहत सेवा अवधि, आपने किस किस स्कूल में कितने साल सेवा की, कितने वर्ष तक सेवा की, दुर्गम में कितने वर्ष तक की और सुगम में कितने वर्ष तक की, ये सारा विवरण यहाँ लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, ये देखो दुर्गम 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 दुर्गम, मैं अब तक दुर्गम में ही रहा हूँ, कभी मैं सुगम में नहीं गया हूँ। ठीक है, फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ सुगम की मेरी जो सर्विस है वो 0 ईयर है, 0 मंथ है और 0 ही डे है। फिर दुर्गम में देखिए, दुर्गम में मुझे 14 साल 4 महीने और 26 दिन हो गए हैं। ठीक है, फिर नीचे देखो आपको बटन दिखाई देगा यहाँ प्रिंट, यहाँ प्रिंट वाले इस पे ऑप्शन पे आप क्लिक करके सबको, आप इन 2 पेज को 3 पेज को आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सभी को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है,
तो ये था विवरण आपका शैक्षिक विवरण, इसको आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ क्लिक कर देंगे जहां लिखा है ना प्रिंट, यहाँ क्लिक कर देंगे ऐसे। यहाँ क्लिक करने के बाद आराम से कुछ टाइम लेगा, और देखो यहाँ लिखा ऊपर, देखो यहाँ लिखा पीडीएफ, यहाँ क्लिक कर देंगे और ये पीडीएफ के रूप में आपके फोन में सेव हो जाएगा। यहाँ सेव लिखा है, यहाँ सेव कर देंगे और ये आपके फोन में चला गया है, आपके फोन में सेव हो गया है, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।